कि कर सको तो अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो, कि कर सको तो अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो और रुख हवाओं का बदल दो, वो असर पैदा करो। अगर जीना चाहते हो मान सम्मान से जीना इस जमाने में तो, अरे मेरी माताओं बहनों, अरे मेरे भाइयों, अपने घरों में एक एक अंबेडकर पैदा करो, एक एक अंबेडकर पैदा करो। लगते जिगर को जोड़ने में, लगते जिगर को जोड़ने में वक्त जाया ना करो। जो फौलाद बन के खड़ा है उसे अपनाया करो। अरे तुम शेर की औलाद हो, दहाड़ कर हक छीलो। अरे मेरे दोस्तों, इन रामविलास पासवान, अठावले और उदित राज जैसे गद्दारों की तरह फेंकी हुई हड्डियों को चबाया ना करो, फेंकी हुई हड्डियों को चबाया ना करो। साथियों, बाबा साहब की कविता आपके सामने रखूंगा, उससे पहले कहूंगा कि बाबा साहब, कि बाबा साहब तुझे इंसान कहूं, कि बाबा साहब तुझे इंसान कहूं, ये तेरा अपमान है। अगर बाबा साहब तुझे भगवान कहूं तो कैसे कहूं। अरे बाबा साहब, तू तो भगवानों का भी भगवान है, भगवानों का भी भगवान है। साथियों, बाबा साहब ने अपने जीवन के जो 40 साल हमें दिए, अपने चार चार बच्चों की कुर्बानी दी, अगर वो संघर्ष नहीं करते, अगर उनके अंदर समाज का दर्द नहीं होता, तो पूरे विश्व के अंदर उनके बराबर पैसे वाला कोई नहीं होता पूरे वर्ल्ड के अंदर। बाबा साहब कहते हैं कि सुन ए नादान, मुझे भी कोई दौलत की कमी नहीं होती। क्या कहते हैं बाबा साहब, सुनिए कि सुन ए नादान, मुझे भी कोई दौलत की कमी नहीं होती। अगर मुझको तेरे सम्मान की फिक्र नहीं होती, अगर मुझको तेरे सम्मान की फिक्र नहीं होती, गगन को चूम रहा होता, बाबा साहब से बड़ा बंगला, बाबा साहब से बड़ी कोठी पूरे विश्व के अंदर किसी की नहीं होती, कि गगन को चूम रहा होता मेरा भी कोई ऊंचा सा बंगला, गगन को चूम रहा होता मेरा भी कोई ऊंचा सा बंगला, लड़ाई जो तेरे हकों की मैंने लड़ी नहीं होती, लड़ाई जो तेरे हकों की मैंने लड़ी नहीं होती, जिए होती मेरी भी संताने, जिए होती मेरी भी संताने ऐसो आराम का जीवन, जिए होती मेरी भी संताने ऐसो आराम का जीवन, जो तुम्हारे बच्चों की खुशियों की कहानी मैंने लिखी नहीं होती, जो तुम्हारे बच्चों की खुशियों की कहानी मैंने लिखी नहीं होती। छपी होती मेरी भी तस्वीरें, छपी होती मेरी भी तस्वीरें नोटों के, छपी होती मेरी भी तस्वीरें इन कागज के टुकड़ों पर, छपी होती मेरी भी तस्वीरें इन कागज के टुकड़ों पर, अगर तेरी खातिर मनु से मैंने दुश्मनी ना की होती, अगर तेरी खातिर मनु से मैंने दुश्मनी ना की होती। जहां चाहत थी आजादी की, जहां चाहत थी आजादी की वही नदियों से खून की धारा है, जहां चाहत थी आजादी की वही नदियों से खून की धारा है। कद्र होती आजादी की आस तुझे जो बैठे बैठे ना मिली होती, जो बैठे बैठे ना मिली होती। कि मैंने कहा था, कि मैंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, मगर तुम्हारी तो पूजा पाठ ही खत्म नहीं होती, मगर तुम्हारी तो पूजा पाठ ही खत्म नहीं होती। गलती हुई मुझसे, क्या कहते हैं बाबा साहब, कि गलती हुई मुझसे कि तुम्हारे सम्मान में मैंने मंदिरों के दरवाजे खोल दिए, गलती हुई मुझसे कि मैंने तुम्हारे सम्मान में मंदिरों के दरवाजे खोल दिए। बाबा साहब ने तो इसलिए मंदिरों में जाने का प्रवेश कराया था कि हमारे लोगों को भी हर जगह जाने का मौका मिले, हमारे लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसलिए दरवाजे नहीं खोले थे कि जाकर के तुम उन पत्थरों की पूजा करो, उन्हीं पे मत्था टेको जाकर के।
कि गलती हुई मुझसे कि तुम्हारे सम्मान के लिए मैंने मंदिरों के दरवाजे खोल दिए। अगर वो द्वार न खोले होते तो सत्ता आज तुम्हारे हाथों में होती। अगर वो द्वार न खोले होते तो सत्ता आज तुम्हारे हाथों में होती। अगर सफल हो जाता मेरा वो संघर्ष तो बोध मैं भारत बनाने का। अगर सफल हो जाता मेरा वो संघर्ष बोध मैं भारत बनाने का तो आज जातिवाद के नाम पर देश में राजनीति नहीं होती। जाग जाओ मेरे यारो, अब भी वक्त है, वक्त अभी निकला नहीं है, अब भी वक्त है, समझ जाओ कि जाग जाओ मेरे यारो और पढ़ो अपने इतिहास को। क्योंकि हमारे लोगों की ज्यादा जो श्रद्धा है ना मूर्तियों में ज्यादा है, बाबा साहब की मूर्तियों में ज्यादा है, लेकिन बाबा साहब ने जो इतिहास लिखे, जो किताबें लिखी, उनमें श्रद्धा नहीं है, उनको नहीं पढ़ते। अरे जब उनको पढ़ेंगे तो जभी तो अपने समाज के बारे में तुम्हारे अंदर एक जागृति पैदा होगी, दुख दर्द समझोगे, लेकिन मूर्तियों में जाता है, किताबों में नहीं है। जाग जाओ मेरे यारो और पढ़ो अपने इतिहास को। बिना इतिहास के पढ़े किसी समाज की तरक्की नहीं होती। अरे बिना मीटिंग और प्रोग्रामों में जाए ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अब घरों में बैठे बैठे कभी आजादी सम्मान और अपने अधिकार नहीं मिलते। साथियों, ये मनुवादियों का इतना हौसला बढ़ गया है कि ये संविधान पर अटैक करना चाहते हैं। मगर मैं भी इनको बता देना चाहता हूँ, अरे बेईमानी करने वालों तुम्हारे पास ईमान नहीं है। जानते हो तुम कि भीम जैसा कोई विद्वान नहीं है। अरे संविधान को छेड़ने वालों अपनी औकात में रहो, क्योंकि तुम्हें अपने बाप की पहचान नहीं है। साथियों जाते जाते कहूंगा साथियों कि वक्त जब भी आएगा तेरे लिए बाबा साहब ये जान भी हम तेरे का ऐलान कर देंगे। ये जान मेरी कुछ नहीं। अरे 100 जन्म भी बाबा साहब तेरे लिए हम कुर्बान कर देंगे। 100 जन्म भी बाबा साहब तेरे लिए कुर्बान कर देंगे। धन्यवाद बंते जी का, जो मैं साधुवाद करता हूँ, बंते जी को बदनामी करता हूँ जो मेरे को टाइम दिया। सभी का धन्यवाद।